रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू मेथी की सब्जी। ये बहुत ही ज्यादा इजी होती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही ज्यादा जल्दी बन जाती है। इसको बनाना इतना आसान है और ये हेल्दी इतनी ज्यादा मजेदार है कि अगर आप एक बार खाना शुरू करेंगे तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा हाथ रोकने का। और चीजें इसमें इतनी कम डलती हैं कि बाकी हर सब्जी से कम ही चीजें इसके अंदर डलती हैं। अब हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि इसके लिए हमने क्या क्या चीजें ली है। चीजें आपने ठीक तरीके से देख ली है। इसके लिए 1 किलो मेथी हमने ली है। इसको लेके धो के काट लिया, काट के धो लिया है। बारीक बारीक हमने मेथी को काट लिया है। 4 हरी मिर्चें हमने ली हैं, 6 लाल मिर्चें हमने ली हैं, 20 मिर्चों को हमने लेके मोटा मोटा काट लिया है। आलू 1/2 किलो हमने लिए हैं और इनको लेके इनको भी मोटा मोटा काट लिया है, लेकिन आलू से हमने थोड़े से छोटे पीस बनाए हैं क्योंकि ये मेथी की मिट्टी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। 1 चम्मच नमक हमने लिया है। डालने के बाद लहसुन में अब हम इसके अंदर मेथी शामिल करेंगे, क्योंकि मेथी को काफ़ी बहुत ज़्यादा देर तक कुचा करना पड़ता है क्योंकि हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं। और क्योंकि लहसुन, मिर्च और हरी मिर्चें और लाल मिर्चें नीचे हैं तो इससे ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मिर्चें भी गल जाएंगी और मेथी के पानी में जलेंगी भी नहीं कोई चीज़। इसका चूल्हा हम बहुत ज़्यादा हल्का रखेंगे। मेथी डालने के बाद इसका चूल्हा हम फुल रखेंगे और फुल चूल्हे के साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। नमक हमने सिर्फ 1 चम्मच लिया है क्योंकि हरी सब्जियों में खुद भी थोड़ा थोड़ा सा नमक होता है। ज़्यादा नमक अगर इसके अंदर डालें तो फिर बीपी हाई होने का अंदेशा रहता है। ये भुजिया अगर आप लोग सब्जी नहीं भी खाते तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ 1/2 घंटे में आपकी ये भुजिया तैयार हो जाएगी। अब हम इसे तेज चूल्हे पर रखेंगे। चूल्हा आपने इसका हल्का स्टैम नहीं करना है, तेज़ रखना है ताकि सारा पानी निकल आए मेथी में। उसके बाद हम इसे दम पे रखेंगे और आलूओं को हम अलग से गला के डालेंगे क्योंकि आजकल आलू बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं, इसलिए नमक डाल के अलग से गला लेना ठीक रहता है। और मेथी के फ़ायदों के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये गर्म होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। भुजिया ने अपना पानी छोड़ दिया है, मिर्चें इसकी इसके पानी में गल जाएंगी। भुजिया आप देख सकते हैं बुझक के कितनी कम हो चुकी है क्योंकि ये मेथी की भुजिया
बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है और बहुत कम भी होती है। इसको आप जितना भी बना लें ये बहुत कम हो जाती है। अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे और जाएंगे अपने आलू की तरफ। मुझे आलूओं को अलग से उबाल के फिर डालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मीठे आलू आ रहे हैं तो आलूओं का ज़्यादा ही खतरा रहता है। आलूओं को हमने अपने चूल्हे पे रख दिया है। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, आलूओं के ऊपर ही लिया है। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक के पानी से उबालने से ये होता है कि जो मीठे आलू होते हैं वो भी नमकीन हो जाते हैं, यानी कि मिर्चों में उबल के मीठे में आ जाते हैं। क्योंकि मीठे आलू पक जाते हैं तो सब्जी हंडिया बिल्कुल बेकार हो जाती है, फिर उसे कोई भी खाना पसंद नहीं होता। आलूओं को हम अपने पूरे जब तक पकाएंगे जब तक ये इनमें बॉयल नहीं आ जाता। उसके बाद आलू हमारे आलूओं में बॉयल आ चुका है। अब हम इन्हें 10 मिनट तक के लिए ढक देंगे। नमक हमने इसके अंदर डाल दिया था। भुजिया हमारी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब हमें सिर्फ आलू के गलने का इंतजार है। पानी इसका बिल्कुल खुशक हो चुका है, अब बस आलू गल के तो वो डाल देंगे कि भुजिया हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आलू हमारे हो चुके हैं, 10 मिनट आलू को हो चुके हैं, ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम आलू को ठंडे पानी से धोकर अपनी भुजिया के अंदर डाल के इन्हें मिक्स करेंगे। भुजिया हमारी पहले ही हो गई थी तैयार, तेल इसमें निकल आया है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल के इनको मिक्स कर देंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद 10 मिनट तक के लिए और दम पे लगाएंगे भुजिया को आलूओं के साथ, इससे आलू में भी नमक मिर्च अच्छी तरह से आ जाएगा। 10 मिनट तक के लिए हमने भुजिया को फिर से आलू डाल के चला के दम पे रख लिया था। अब हम इसे निकालेंगे, निकाल के आपको दिखाएंगे कि ये भुजिया कैसे बनी। ये भुजिया में बहुत ज़्यादा कम चीज़ें डलती हैं। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कम चीज़ें डलती हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से ये बन जाती है और जायके में ये इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि अगर आप एक बार खाना शुरू करेंगे तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा छोड़ने का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का अगर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे सिलसिले से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। भुजिया हमारी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। ये मेथी और आलू की भुजिया है, इसके अंदर जितनी ज़्यादा कम चीज़ें डलती हैं उतना ही ज़्यादा इसका जायका। आप चाहें आपने अच्छी तरह से देख ली हैं। इससे ज़्यादा चीज़ें हमें इसमें नहीं डालनी है, क्योंकि यही चीज़ें डलेंगी। आपने नोट कर ली है। 2 चमचे तेल लेके इनको हमने जला लिया है। हम इनके सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं।
किया था। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर बाकी चीजें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको डाल के 2 मिनट तक इसके साथ भूनेंगे। 2 मिनट तक हमने अपने लहसुन अदरक को पीस डाल लिया है, इसको भून लिया है। अब इसके अंदर हल्दी डालेंगे, अब पिसी हुई प्याज डालेंगे। ये शलजम बहुत ही ज़्यादा अच्छे पकते हैं। जो लोग नहीं खाते उनसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी चीज़ को बगैर टेस्ट करें, रिजेक्ट ना करें। हर चीज़ को आप पहले एक दफ़ा चख लीजिए, फिर अगर आपको पसंद ना आए तो कोई और बात है, लेकिन आप किसी भी चीज़ का सिर्फ नाम सुन के उसको रिजेक्ट मत करें। क्या पता किस चीज़ का जायका आपको अच्छा लग जाए। और सब्जियाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अगर आज उन्हें अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो लोग नहीं खाते वो इसको सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट करके देख लीजिए, फिर वो भी खाने से कभी मना नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर मिर्ची डालेंगे, नमक जो हमने 1 चम्मच लिया था, अब हम इसके अंदर आधी कटोरी पानी डालेंगे। इससे हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाएंगे, और नरम होने के बाद टमाटर घोटने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि खड़े खड़े टमाटर जब आते हैं खड़े खड़े टमाटरों को कोई खाना पसंद नहीं करता, और वैसे भी सब्जियों में टमाटर पके हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आधी कटोरी पानी डालने के बाद इसमें अब हम इसे 5 मिनट तक ढक्कन ढक के रख देंगे, ताकि इस तरह से हमारे टमाटर नरम हो जाएंगे। चूल्हा हम इसका फुल नहीं रखेंगे, सिर्फ आधा रखेंगे। टमाटरों को भून चुके हैं, ये अच्छी तरह से नरम हो गए थे, ये फूट भी चुके हैं और आसानी से फूट रहे हैं। बस थोड़ा सा इसको भूनना बाकी रह गया है, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे। इस तरह से शलजम बहुत ही ज़्यादा अच्छे जायकेदार और मसालेदार पकते हैं। जिन लोगों को मसाले वाला खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है वो ये शलजम अच्छी तरह से पका के खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो हर सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब अलग अलग तरीके से पकाना है तो फिर हर चीज़ का टेस्ट भी अलग आता है। इसको हम भूनेंगे, भूनने के बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे। इन शलजमों के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हमने इसके अंदर हर चीज़ डाली है। खटास भी है, नमक भी है, और इसमें मिर्चें भी हैं। इसको बुजुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, और आप इनको किसी भी बीमार के पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें हल्का मसाला रखा है हमने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जो लोग इसे खाना पसंद नहीं करते, अगर वो भी एक बार ऐसे पके हुए देख लेंगे तो वो भी खाना शुरू कर देंगे। मसाला हमारा भून चुका है, तेल इसमें निकल आया है। अब हम इसके अंदर शलजम डालेंगे। शलजम डाल के हम इसको 2 मिनट तक तेज चूल्हे पे भूनेंगे, उसके बाद हम इसका चूल्हा हल्का कर देंगे ताकि शलजम दम पे अच्छी तरह से गल सके। ये मसाले के शलजम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसे शलजम आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। शलजम को गलाने के लिए हम सिर्फ 1 कटोरी पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। कटोरी हमने बहुत छोटी ली है, अगर आप चाहें तो आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसको तेज चूल्हे पे पकाएंगे, उसके बाद इसका चूल्हा आधा करके शलजमों को गलाएंगे इस पानी के अंदर। शलजमों को
तेज चूल्हे पे पका लिया है हमने। अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे, कम से कम 10 मिनट तक के लिए इसको दम पे लगाएंगे। बहुत ज़्यादा घंटे नहीं लगते हैं इस भुजी मसाले के शलजम को पकाने में, इसको सिर्फ पकाने में आपका 1 घंटा लगेगा। और शलजम को तो छील के काटना भी इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये छील भी जाते हैं और कट भी जाते हैं, और जायका भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बाद लोग तो कच्चे शलजम भी खाना पसंद करते हैं क्योंकि शलजम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। शलजम को पकते हुए हमारे पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर तीली डाल के देखेंगे कि ये गले या नहीं, अगर नहीं गले तो फिर इसे और ज़्यादा दम लगा लें। आपको उसका बहुत ही ज़्यादा हल्का रखना है क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर तेज चूल्हा होगा तो 2 मिनट से भी पहले ये जल सकते हैं। 10 मिनट हमारे शलजम को हो चुके हैं दम लगते हुए। अब हम इन्हें चेक करेंगे कि ये गले या नहीं। खुशबू तो इनमें अभी से बहुत अच्छी आ रही है, जबकि अभी तो इसमें धनिया भी नहीं। बहुत हमने इसे हल्के चूल्हे पे रख दिया था, अब तेज पे भूनेंगे। शलजम हमारे भून चुके हैं। ये शलजम मसाले के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तेल इनके अंदर निकल आया है और ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल कि इनके अंदर गोश्त नहीं है, इनका टेस्ट बिल्कुल गोश्त वाला ही आता है। अब हम इसे डिश में निकालेंगे क्योंकि शलजम हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा मसाला भी है और शलजम के टुकड़े भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि शलजम बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से खून बनाते हैं। हो चुके हैं शलजम हमारे बिल्कुल रेडी। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। Gracias.